रामस्वामीतम परमंत उपस्थित भेल छी कार्यक्रम भक्ति सागर के अपन कार्यक्रम औषधार लगा दसबिन अभी इस समय यम पंचक के अर्थात हम सब 5 दिन तक तिहार मनेबे कल कौवा के पूजा कल गेले आय कुकुर के पूजा कल जाते है अर्थात कुत्ता के पूजा कल जाते है बिहान गाय के ऐ प्रकार से जैसे 5 दिन के हम सब जैसे जे ये पर्व से ते पर्व में से किया एक रिलेशन की रिलेशन से ऐ जे हम सब 5 दिन तक मनबे छे ते की नाता छे हमरा के जीवन से बहुत सुंदर लगे छे पर्व उत्सव सब ये सब बहुत सुंदर लगे छे व्यक्ति अगर हम सब कनी ख्याल करी जीवन में तो जे सिस्टम बनाएल गेल छे जे प्रकार से ये जीवन के छोट से लगा जौ जौ नमहर होत जाय छे ते प्रकार से जैसे अगर देखी हमरा सके मिथोलॉजी हम से शास्त्र में देखी अतेक नीक से सजाओल गेल छे जे जीवन स्वयं ही स्वयं बुद्धते के ओर जा रहा छे जीवन में जे फूल खिलवाक चाहे वही फूल के ओर अपने आप जा रहा छे ई जीवन मिले छे वही के लिए कनिक हम सब ख्याल करबे जीवन में आई अभी के समाज अगर धर्म प्रति आस्था नहीं रखे छे या जीवन में धार्मिकता के निलाव सक रहल छे एकर दोषी बच्चा नहीं छे अभी समाज नहीं छे एकर दोषी हम आ छे केना का हम आ कोन ढंग से छे के दोषी बस साफ छे कारण कारण ई छे जे हम सब बच्चा के वही प्रकार से समझाव नहीं सीख रहल छे जे बच्चा के जे ढंग से हम सब कहे के चाहिए वही प्रकार से हम सब समझाव नहीं सीख रहल छे ई कारण छे मूल कारण धर्म संस्कृति जे छे हमरा के जे सब कुछ जोड़ देने छे जते देखियो कठना कौवा के पूजा रहे कौवा के पूजा के नहीं या पूजा आजाम में हमरा के देखियो ता विभिन्न किस्म के वनस्पति सब के प्रयोग चावल के प्रयोग जौ के प्रयोग तिल के प्रयोग जैसे मनुष्य के जीवन सीधा प्रभावित भ रहल छे ऐ सब के प्रयोग हमरा के भेटे छे इस समय जैसे मनुष्य के जीवन ऊपर के ओर बढ़ सके उर्वर भ सके ऊर्ध्वगामी भ सके छे ऐ सब के प्रयोग हमरा के जीवन में छे लेकिन जरूरी की बात के छे जे हम सब ओ चीज के प्रयोग में लाइव रहल छी कि नहीं लाइव रहल छी कौवा के देखियो कते सुंदर व्यवस्था कौवा शुभ अशुभ दोनों में खबर लगे शुभ रहे सेहो खबर लगे अशुभ रहे सेहो खबर लगे आय ने मोबाइल भ गेलै टेलीफोन भ गेलै इंटरनेट छै एहि माध्यम से खबर एक दूसरे के पहुंच जाए छे लेकिन कहियो कहियो ई अवस्था रहे जे लोग प्रकृति से सीधा नाता रखे छलै अभी के नाता प्रकृति से दूर भ रहल छै मनुष्य जते जते प्रकृति से दूर भरल से मनुष्य ओतिक ओतिक देखे में पड़ रहा कथी जे व्यक्ति और दुखित और दुखी भ रहा है प्रकृति से करीब होना है सुख की ओर जाना ही छे प्रकृति से दूर होना है दुख की ओर जाना ही छे तो अभी के मनुष्य के देखबे तो प्रकृति से दूर भ रहा है तो आई मोबाइल से हमसे खबर कर छी लेकिन अभियो गांव भेग में जेबे तो गांव सब में कौवा अगर
का का कह कर कौवा डकनाई कहै छै जे कौवा जों डाक देला त कहै छै जे कुछ अशुभ हो वाला छै अगर कौवा काव 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 कह के भर दिन खूब काव काव केला त कहै छै जे कुछ शुभ और कोई आवे वाला छै कोई मेहमान एता एहि प्रकार से जे दू पार्ट कौवा के संदेश बाहक के ऊपर ले लै छै आ कौवा चंखे भी बहुत होइ छै एहि ढंग से हम सब यम पंच के और कहल जाए जे मृत्यु के संदेश भी कौवा लक अबै छै लक जाय छै यम के वाहन से सब यम पंच के अर्थ भेले यम के वाहन यमराज के वाहन त कौवा के महिमा बतबै छै हमरा के दीपावली के समय में हम अहाँ सफाई करै छी एकर वैज्ञानिकता देखियो बैसाख जेठ असार सावन भादो होरी बतास बरसात ऐ सबसे घर रहै छै पूरा तहस नहस भर चुकल धूल धमास भर हर जगह भर चुकल अब मौसम आबि रहल छै कथी के ठंडक के शहर होय या खास करके ग्रामीण भेग में ऐ समय में की होय छै कि घर के कोना कोना सफा कयल जाय छै निपल पोतल गेल पूरा जे वो या मुँह सब रहल बिल बने ले बिल सबके सबके भरल जाए है कतिक वैज्ञानिकता से देखियो अगर ये मौसम नहीं आवे हमरा यहाँ के जीवन अतिक ज्यादा व्यस्त से ना जे कोनो खास पर्व त्यौहार नहीं आवे तो हम सब ये उत्सव भूल जेबे है तो जतेक सर सफाई करे के रहे छे घर के मेंटेन करे के रहे छे कतौ बिल वगैरह रहल सांप ताप नहीं बैठे कतौ कैले तो आब ठंडक के महीना आबि रहल छै ओ जहिए बैठते तहिए रहि जेतै है आब ओ मूव नहीं कर सकैए घूम नहीं सकैए तो ऐ सब के लगक सब कोना कोना सफा कैल जाए है कतिक सुंदर व्यवस्था छै ऐ लगक ऐ व्यवस्थापन में केना के एकर वैज्ञानिक आधार सब छै ऐ सब के सब चीज हम सब चर्चा जारी रखब देखै छियै एकटा सुंदर सा भजन कार्यक्रम भक्ति सागर के एक तरण पर दर्शकवृन्द हम सब चर्चा कर रहल छी जे मनुष्य के हमरा के जीवन के केना के जैसे अति के संगे ये धर्म संगे जोड़ल गेल छे ई सर सफाई जत भ रहल छे बाहरी सर सफाई बहुत बड़का कारण छे आंतरिक सर सफाई से जो देखो जे बाहर में अपने सफा करबे तो वो भीतर से जुड़ल रहे छे भीतर में लागत जे भीतरों से कतो अंतसों से हम सफा भ रहल छे अगर बाहर में गंदगी रहै छै त भीतरो मन पवित्रता में अभाव रहै छै हम सब ख्याल करी जीवन में जे बाहरी सर सफाई जते शारीरिक तल पर जते सर सफाई रखबै या ओकर प्रभाव अंतस में पड़ै छै और आंतरिक सफाई बहुत महत्व रखै छै चेतना के खिलावट के लेल हमरा आके बुझाइत रहै जे बाहरी परिवेश में मात्र सफा कर देते भाव देखे तेना नहीं छे और ऐ में हम सब पूजा करबे लक्ष्मी माता के लक्ष्मी माता प्रतीक छे धन के देवी कहे छे हम सब कते सुंदर बात छे बाहर के धन तो हम सब प्राप्त कर ली छे बाहर के धन तो हम सब आन ली छे लेकिन आंतरिक धन के देखते हैं अंतर में जो कुबेर बैठल छे वो धन के चाबी कदा के खुलती है वो जरूरी छे वो अंतर के धन खोलना है अंतर में चाबी जे लॉक पड़ल छे और वो खरबों के संपत्ति है हरि नाम के धन जे पड़ल छे राम नाम के धन पड़ल छे वही धन के और हम सब केना के देखे बस तरीका यह छे जेहने बाहरी सफाई तेहने आंतरिक सफाई में हम सब जोड़ दी और आंतरिक सफाई का अर्थ हमरा सके विचार शुद्ध है हमरा सके भाव शुद्धि हो हम सब ये दीपावली के समय में दशहरा के समय में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम करे छे नाम रहे छे शुभकामना और काम रहे छे शिकायत करी के सब एक दूसरे के शिकायत करके शुरू कर देला
हमसे अनुरोध करब जीवन के नया रंग दी, जीवन में जी के नया ढंग लावी। तीन गो चीज पर हम सब जैसे जोर दी, वो तीन गो चीज है मैत्री, करुणा और प्रमोदिता। केना के तीनटा चीज हमरा के जीवन में हासिल हेतु दीपावली के समय में हम सब कतौ रहे छे तो सब परिवार एक जगह होइ छे, ऐ छठ के समय में हम सब एक जगह होइ छे और एक जगह एला के बाद में वर्षों तक छुटल रहे छे, एक दूसरे से दूर रहे छे और जब घर में आवे छे तो की शुरू होइ छे, ख्याल के लिए शुरू होइ छे एक दूसरे के शिकायत, शुरू होइ छे एक दूसरे पर जे बात सब कहियो नहीं बोलल जाए इस समय में आबि का असब सके प्रयोग करे के देखल जा रहा है और परिवार टूट रहा है, अब के मन नहीं कर रहा है। एहि बेर से हम सब शुरुआत करे वो नया चीज, अब हम सब शुरुआत करे जे एहि पर्व के उपलक्ष्य में हम सब शिकायत नहीं करी दोसर के, प्रेम पूर्ण वातावरण बना के राखी। केना के भ सकैय जे माय बाबू हमरा के जीवन के रात रात भर जाग कर अपने जीवन के प्रवाह नहीं कर दिन रात ख्याल नहीं कर हमरा के पालल पोसलखिन, उनका लगे हम सब की कर सक रहा छी, यही चीज देवे शिकायत। हम सब अब हुनकर एहसान के तले हम सब कम से कम एक पर्व के अवसर पर उनका धन्यवाद ज्ञापन करी, अभाव तो व्यक्त करी, श्रद्धा से तो भरी हुनकर एक एक बात सब। अगर अपने के नहीं पढ़ा देते, अगर अपने के इस सुंदर वस्त्र नहीं देते, इस सब चीज की व्यवस्था नहीं कर देते, नीक संगत नहीं देते, केना के अपना गाड़ी भरती है। तो ऐ वातावरण में सबको के सहयोग से देखल जाए जीवन में जब जब हम सब ख्याल करबे हरेक व्यक्ति के, जे व्यक्ति अपने के शिकायतों कर रहा है हुनको सहयोग से अपने के होश में लाइब रहा है। कबीर साहब कहने छथिन निंदक नियरे रखिए, जे अपने कोई आदमी शिकायत कर रहा है निंदा कर रहा है हुनको बहुत बड़का कृपा छे अपने के ऊपर में कि अपने के जगा रहा है। जे व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है खाली प्रशंसा कतो भूल में नहीं पड़ब, वो व्यक्ति अपने के बिहान जाकर अपने के शिकायतों के ढेर लगा दे, लेकिन प्रशंसा करल व्यक्ति अपने के विकास के लिए सहयोग कर रहा है। तो जे भी हो हम सब अ वातावरण में अभी के वातावरण में अपना परिवार के संग, अगर हो सके तो समाज के संग, मित्र के संग मैत्रीपूर्ण वातावरण केना के बनते हैं, और मैत्रीपूर्ण वातावरण के लिए सबसे प्रमुख चीज है वो है जे हुनका भीतर में जे गुण है वो गुण के देखिए। अब गुण से तो संसारे भरल छे, जे गुण छे उनका भीतर में की गुण छे, भ सके उनका भीतर में कलाकारिता गुण भ सके, हुनकर कोन चीज अपने के बहुत अच्छा लगे छे वही सब के अपने जोड़ियो देखियो और वही के चर्चा करियो, वही के बार बार चर्चा करियो घर परिवार में, अपने के गुण या अपने के गुण या हम सब गुणे गुण से भरल छे, वो धन छे हमरा के सही में, वही लक्ष्मी के पूजन छे, हम सब भगवान की पूजा कर रहल छी, ये श्रद्धा के एक ठाउँ छे, लेकिन जरूरी छे तो वही भगवान की पूजा करे के जिनका कारण से, जिनका हंसी से, जिनका मुस्कान से हमरा के पूरा घर भरल छे। पत्नी के भीतर में की गुण छे, पति के भीतर में की गुण छे, भाई के भीतर में की गुण छे, बाल बच्चा के भीतर में की गुण छे, अही सब के चर्चा परचर्चा हम सब करी, ये हमर अनुरोध है। ये ओशो के देशना छे जे गुण के चर्चा करी, जब गुण के चर्चा करे लगबे जे देवे अपने अपने शुभकामना देवे शुभकामना आयत, अपने गुण के चर्चा करबे दूसर व्यक्ति अपने के गुण के चर्चा करत, जेहे फेंकबे से ही टन आयत, ये संसार के नियम छे। अपने पत्थर फेंकबे तो अपने ऊपर पत्थर बसत, केकरो अपने बात कहबे वो अपने के बात कहत। हम सब जीवन में ऐ तिहार से एक संकल्पना, एक संकल्प ली
बाहरी सफाई के साथ में हम सब अब आंतरिक सफाई में जाए और हर वक्त खुश रहे, हर वक्त एक दूसरे के करुणा से भरल रहे, प्रेम से भरल रहे और सब परिवार मिलकर संगे प्रसाद ग्रहण करी, भोजन ग्रहण करी, गुनगुनाए, फिर अवसर मिलते कि नहीं मिलते, फिर व्यक्ति से मिलन होते कि नहीं होते, पता नहीं जिस आज सुबह में उठले शाम में मिलते कि नहीं मिलते। यम पंचक, यम के फिर अही में से कोई उनका दरबार में हाजिर भए थे, तो वो हाजिर होने से पहले उनका गुण के चर्चा करी, उनका वैभव के चर्चा करी, मैत्रीपूर्ण बढ़ावी। अही शुभकामना संग आजक ये भक्ति सागर के विराम दे रहा छी। सब कोई के बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार।